नमस्कार दोस्तों, काव्यज रेसिपी में आपका स्वागत है। श्राद्ध का महीना चल रहा है और बहुत से घरों में भोग लगाने के लिए कढ़ी बनाई जाती है और इसीलिए आज हम बना रहे हैं कढ़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मसाला पीस लेंगे और इसके लिए मैंने मिक्सी के जार में आधा चम्मच जीरे, 8-10 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसे बिना पानी डाले पीस लेंगे। और ये हमारा मसाला तैयार है, इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। लगभग 2 चम्मच होगा ये और इतना काफी है। अब एक बर्तन में 2 कप ताजा दही ले लेंगे, लगभग 400 ग्राम है ये, और इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच बेसन। जो मसाला हमने पीस लिया था उसे ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी शक्कर। शक्कर आप पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और मथनी से अच्छे से मथ लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, कोई लम्स ना बने, ना दही के ना बेसन के। जिसमें हमने मसाला पीसा था उसी बर्तन से मैंने पानी मिक्स किया है इसमें, ताकि पूरा मसाला इसमें आ जाए। मसाला और बेसन दही में अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसे तड़का लगा देंगे। कढ़ाई में हमने 2 चम्मच तेल गरम कर लिया है। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच राई। राई अच्छे से फूल गई है तो अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा और इसे भी अच्छे से फूलने देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 8-10 कलियां लहसुन की, जिसे मैंने थोड़ा सा क्रश किया है। इससे क्या होगा ना कि जब खाते वक्त लहसुन दांतों के नीचे आएगा ना, तो इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालेंगे और इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। थोड़ी सी हींग डाल देंगे, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे दही और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधा ग्लास पानी डाल देंगे हम और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कढ़ी आपको कितनी पतली चाहिए उस हिसाब से आप पानी कम या ज्यादा कर सकते हैं। गैस की फ्लेम मीडियम हाई पर रखनी है और बीच बीच में चम्मच से चलाते हुए इसे एक उबाल आने देना है। कढ़ी बनाते वक्त आपको दही ताजा ही यूज करना है। अगर दही खट्टा होगा तो उबाल आते वक्त दही फट जाएगा और कढ़ी आपकी खराब हो जाएगी। कढ़ी में अच्छे से उबाल आ गया है तो अब हम इसे 5-7 मिनट तक लो फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे। बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे चम्मच से। अगर आपका सब्जी और दाल बनाने का मन नहीं है तो आप कढ़ी बना सकते हो और रोटी और चावल दोनों के साथ खा सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, 30 मिनट में तो कढ़ी आपकी प्लेट में आ जाएगी, तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पांच मिनट हो चुके हैं और कढ़ी अच्छे से पक चुकी है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। कढ़ी खाने के लिए एकदम तैयार है, तो अब हम इसे एक बोल में निकाल लेते हैं सर्विंग के लिए। इसे आप रोटी और चावल दोनों के साथ खा सकते हो, तो एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिए।
रेसिपी अच्छी लगे, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए कीप कुकिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।